हरिद्वार में गंगा दशहरा के स्नान को लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए की गई सभी व्यवस्थाएं चरमरा गईं। हरिद्वार में हाईवे से लेकर शहर के अंदर तक के सड़कों पर जाम लग गया। नेशनल हाईवे पर हर की पैड़ी से दिल्ली की ओर कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। लोगों को कई घंटे जाम में फंसना पड़ा। एक और जाम, दूसरी ओर गर्मी से लोग परेशान नजर आए। लोगों का कहना है कि हरिद्वार में पहले कभी किसी स्नान पर्व पर ऐसा जाम नहीं देखा गया। पूरा हाल है जाम का। हम दिल्ली से आए हैं इधर, बहुत बुरा फंसे। अभी 4 किलोमीटर दूर गाड़ी पड़ी हमारे, पैदल आए इधर। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ आने पर, कोई पता नहीं। आप पैदल आ गए यहाँ तक तो गाड़ी कब आएगी, कैसे गाड़ी अभी कोई पता नहीं, गाड़ी कितने घंटे में यहाँ आएगी। अभी तो ट्रैफिक अभी भाई साहब, अभी कोई ट्रैफिक पुलिस लगी है पर खुल नहीं रहा जाम। अभी खुलने पर नहीं खुल पा, इस वजह से आज जाम है इतना। ये आप गंगा स्नान की तरह से मुझे लग रहा जाम हो रखा है। बदरवा ऐसा तो मेरे ख्याल नहीं होता होगा इतना जाम। यहाँ पहली बार देखा, पहली बार इतना जाम देखा, इतनी बार आ गया, पहली बार हमने इतना जाम देखा यहाँ। गंगा दशहरा के मौके पर हरिद्वार में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोगों की भीड़ के चलते हरिद्वार में हाईवे पर जाम से बुरा हाल है। इस वक्त तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम हाईवे पर, हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर मौजूद हैं और ये तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितने किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। बताया जा रहा है कि 6 से 7 किलोमीटर लंबा ये जाम यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 4 से 5 किलोमीटर दूर उनकी कार अब भी जाम में फंसी हुई है और वो पैदल यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। हर की पैड़ी के पास दीनदयाल पार्किंग के इस फुटओवर ब्रिज पर हम मौजूद हैं और यहाँ से देखा जा सकता है कि जो हरिद्वार की ओर आने वाली जो लेन है उसमें गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, जाम लगा हुआ है, लेकिन जो वापस जाने वाली जो लेन है उसमें जो वाहन है वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से पर्याप्त इंतज़ाम किए गए थे, पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया गया था, दावा किया गया था कि जो ट्रैफिक डाइवर्जन है उसको लागू किया जाएगा। हालांकि भीड़ के आ जाने से, बेतहाशा भीड़ उमड़ जाने से पुलिस के प्रशासन के जो इंतजाम हैं वो ध्वस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी स्नान की यहाँ पर शुरुआत है, सुबह 10 बजे का लगभग समय हुआ है और शाम तक लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के, लोगों की यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है। गर्मी भी इस वक्त भीषण पड़ रही है, लिहाजा जाम और गर्मी के कारण लोग, श्रद्धालु बेहाल हो रहे हैं। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार।